कि भाई अडानी जी 2 दिन में रिकवर कैसे कर गए, ये प्योर फाइनेंस का मुद्दा है। अडानी जी इसलिए रिकवर नहीं किए कि राहुल गांधी या मोदी जी उनके ऊपर खिलाफ या उनके फेवर में बोल रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा है। अडानी जी इसलिए 2 दिन के बाद रिकवर हुए कि 100 बिलियन का जब लोन उन्होंने इमीडिएटली डिक्लेयर किया कि मैं पे कर रहा हूं, उन्होंने पे किया तो लोगों का विश्वास फिर से जागृत हो गया कि भाई इसके पास पैसे हैं। तो वो तो अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। वो क्यों सेंसेक्स में गए? अदरवाइज सेंसेक्स में गोता लगाने के बाद कोई जल्दी उभरता नहीं है अगर वो कंपनी मजबूत ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बोल रहे हैं कि भाई इससे कर ले, मैं बोलता हूं कि संसद से क्यों कर ले? जो दुनिया का जो सबसे बड़ा आप इंस्टीट्यूशन बोले, ह्यूमन राइट कमीशन बोले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोले, ये तो ये भी बोल देंगे कि भाई हमारे लिए तो सबसे बड़ी कोर्ट हिंडनबर्ग की है जिसमें केवल 2 एम्प्लॉई है। अमिताभ जी देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं स्टूडियो आता जाता रहता हूं, यहाँ 5 लोग पर्दे पे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे पता है 100 लोगों की टीम आपके पीछे काम कर रही है। ये हिंडनबर्ग का यही हाल है। एक ऑडिट करने में, अडानी की एक कंपनी को ऑडिट करने में अगर दे दिया जाए तो 100 लोगों की टीम साल भर में ऑडिट नहीं कर पाएगी। 10-10 रुपए चाय के बिल होते हैं साहब वहां पे, इतने बिल्स होते हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अभी तक ये चिल्ला रहे थे कि हिंडनबर्ग का मुद्दा, जी हिंडनबर्ग ने जो बोला वो परम सत्य है, अंतिम सत्य है, वो सर्वोच्च न्यायालय है। इनकी बातों का कहाँ विश्वास करें? ये हिंडनबर्ग को मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, सीबीआई को मानेंगे, आरबीआई को मानेंगे, संसद को मानेंगे? अरे भाई साहब, आप ही बिल बन जाइए सबसे बढ़िया, छोड़िए संसद वगैरह को। रत्नाकर जी ठीक, एक मिनट पांडे जी, एक मिनट रुके, रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, रत्नाकर जी ठीक है, शादी भी रुके भाई, मैं मिश्रा जी रुके, कांग्रेस से सवाल करेंगे। रत्नाकर सिंह जी, तो कोयले खदान का कॉन्ट्रैक्ट सब अडानी जी को दे दिया जाता है। श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, तो जो पावर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी की कंपनी को दे दिया जाता है। और नहीं तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुंबई एयरपोर्ट। अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुनिए तो, आपके पास जवाब नहीं है कुछ, आप सुन लीजिए पहले।